रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बोले अजदुद्दीन ओवैसी, बाबरी मस्जिद का जिक्र कर जताया अफसोस। ममता बनर्जी ने बीजेपी से पूछा सवाल, राम का नाम लेते हैं सीता का नहीं, क्या आप महिला विरोधी हैं? कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम बोले, भगवान राम के बिना नहीं हो सकती राजनीति, राम के बिना कुछ भी संभव नहीं। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का विपक्ष पर तंज, कहा कुछ लोगों के मन में आग लगी है। ममता बनर्जी का इंडिया गठबंधन पर बड़ा बयान, कहा मैंने गठबंधन का नाम बताया, अब वामपंथी कर रहे कंट्रोल। और आइए अब आपको दिखाते हैं राज्य से जुड़ी टॉप 9 खबरें। कश्मीर में बर्फबारी नहीं होने से पर्यटन पर असर, पर्यटकों में छाई उदासी, कई होटल्स में एडवांस बुकिंग रद्द। गाजियाबाद में सोसाइटी के अपार्टमेंट में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, हादसे में जनहानि नहीं। हेट स्पीच मामले में आजम खान की अपील पर आज सुनवाई, एमपी एमएलए सेशंस कोर्ट सुनाएगा फैसला। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में श्रीराम की शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी हो गई, पथराव में कई लोग घायल, पुलिस बल रहा मौजूद। बिहार के जमुई में शोभा यात्रा में दो पक्षों के बीच चले पत्थर, झड़प में दो लोग घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में अवैध शराब ठिकानों पर छापेमारी, 400 लीटर कच्ची शराब बरामद, पुलिस ने एक को गिरफ्तार भी किया। राजस्थान के सीकर में हाई वोल्टेज, बिजली के तार से करंट लगने से हादसे में दो लोगों की मौत। जी न्यूज़।